हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बरसात के इस मौसम में जहां हमारे बाग में सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं, वहां हमें जाड़ों की भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस मौसम में अगर हम जाड़ों में मिलने वाले फूलों के कुछ बीज लगा लें तो जाड़े के मौसम में सेप्टेम्बर अक्टूबर में हमें उनसे उनके पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें खाद अगर दें अच्छी हम, तो उनसे हमें जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हम फूलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैंने कुछ फूलों के बीजों को लगाने पर बनाया है कि मैंने जो है आज गेंदा के, बालसम के और जीनिया के बीज लगाने की अपने गार्डन में सोचा है कि इनके बीजों को अगर हम बो दें तो ये जाड़ों में हमें अच्छी फ्लावरिंग देने लगेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये तीन चीज़ों के बीज आज मैं जो हूँ वो लगाऊंगी। इसमें देखिए, ये तो बालसम के, गुल मेहंदी के बीज हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी और 10 दिन में इसके पौधे निकल आएंगे। ये हैं सूखे हुए गेंदा, हाइब्रिड गेंदा के बीज हैं। जब गेंदा सूख जाता है तो उसके नीचे, मैंने आपको दिखाया था, उसके नीचे से हम लोग सूखे हुए ये बीज निकाल लेते हैं। तो ये गेंदा के बीज लगाऊंगी। और ये हैं आपके जीनिया के बीज। जीनिया के ये बीज जो हैं, हालांकि अब जाड़े में कम खिलेगा, नहीं खिलेगा, लेकिन इसके पौधे अगर तैयार हो जाएंगे तो उनको मैं सेव कर लूँगी और जनवरी फरवरी 4-5 महीने बाद ये अपने आप ही पौधे जो हैं वो फूल देने लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इनके बीज लगाना। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ये शैलो ट्रे लिया है और इसमें मैंने जो है ये मिट्टी का सूखा मिक्सचर, ये इसके अंदर जो है वो हल्की सी सैंड मिली हुई है, हल्की सी वर्मी कंपोस्ट और बिल्कुल ड्राई मिक्सचर है। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, क्योंकि जो बीज होते हैं उनको के बाहर निकलने के लिए कुछ स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो अगर आपकी मिट्टी गीली होगी और वो बिल्कुल प्योर गार्डन की होगी तो बीजों को बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए भुरभुरी और रेत से मिली हुई मिट्टी जो है बीजों को बोने के लिए अपने जो है वो बनाइए और उसमें बीजों को लगाइए। तो ये देखिए, ये मैंने गेंदा के बीज ले लिए हैं। ये इनको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर हल्के हल्के, दूर 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 दूर, ताकि जो है वो मैक्सिमम जो है वो बीज अपने पौधे निकल पाएँ। इसमें से कुछ फेलियर भी होते हैं और कुछ निकल भी आते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा इसलिए डाल देने हैं ताकि जो है वो हमें अच्छी संख्या में पौधे गेंदा के मिल जाएँ। तो मैंने इस तरीके से दूर दूर करते हुए इनको फैला दिया है। इनको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इनको हमें अभी ऐसे ही रखना है ऊपर। और अब इनको ऐसे बोने के बाद मैंने ये मिक्सचर लिया है मिट्टी का, इसको लेके मैं हल्के से ऊपर से इसको एक लेयर भुरभुरी मिट्टी की डाल दूँगी। ये सिंपल ऐसे भुरभुरी मिट्टी की ये लेयर में फैला दूंगी, सभी बीजों को मैं ढक दूंगी अच्छी तरह। पूरे बीज ये ढक गए हैं मिट्टी से और इनको मैंने, जब ये उगेंगे तो इनको आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये लिए मैंने गुल मेहंदी के बीज। गुल मेहंदी बालसम का फूल जो है मेरे एक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और इसमें ये हाइब्रिड क्वालिटी का बालसम है, गुल मेहंदी है। और ये गुलमेहंदी के फूल मुझे इतने पसंद हैं, इसमें लाल, मल्टी शेडेड, पर्पल, वाइट, सब कलर के जो हैं वो पौधों के बीज हैं। तो इसके लिए मैंने बड़ा वाला पार्ट गमले का लिया है, क्योंकि थोड़ा सा फेवरेज़म है कि जो फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसको मैं खुला हुआ और बड़े एरिया में लगाऊंगी। फूलों के साथ भी थोड़ा सा फेवरेज़म चलता है। तो बालसम के सारे बीज मैंने इस मिट्टी में फैला दिए हैं ये, और ऊपर से इसको भी मैं प्रेस करके नहीं दबाना है, बस ऐसे ही फैला देनी है मिट्टी को। तो इनको भी मैंने जो है ये देखिए ढक दिया है सब, ये देखिए पूरा ढका हुआ है ये।
ताकि कहीं से भी बीज दिखे ना, ऊपर तक लेयर आ जाए और ये पौधे जो हैं ये अपने आप एक 10 दिन में निकल आएंगे। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सक्सेस हुआ है। ये इधर मैंने बो दिए हैं। तो फ्रेंड्स, गमले का ये भाग मैंने जीनिया के पौधों के लिए लिया है और इसमें सब दूर दूर करके मैं जीनिया के ये बीज फैला दूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से भी दूर कर दूंगी ताकि मैक्सिमम जो है वो पौधे जीनिया के निकल सके। ये देखिए, ये सब दिख रहे हैं बीज, ये देखिए निकल आएंगे। उसमें फूलों का कुछ नहीं, मेरे पास वो पौधे रहते हैं, कई कई साल पुराने पौधे रहते हैं और उनमें सीज़न आने में मैं देखभाल करती रहती हूँ और उनमें फूल आ जाते हैं। तो ये देखिए, जीनिया के मैंने बीज डाल दिए। अब इसको भी मैं जो हूँ वो मिट्टी से कवर कर दूँगी दबा। अब मैं क्या करूँगी कि इनके ऊपर जो है वो हल्का हल्का सा पानी, ये देखिए हाथ से एकदम जो है बिल्कुल ऐसे नहीं डालना है कि आप ढेरों, या तो आपके पास स्प्रे बॉटल हो आप उससे करिए, नहीं तो आप हाथ से, क्योंकि ये मिट्टी हल्की सी बरसात में इसमें नमी होती है। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी एकदम धार से डाल देंगे तो वो सब बीज जो हैं वो मर जाएंगे और इनको हमें छाया में रखना है। ये मैंने बीज लगा के आपको दिखाए। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये जब बीज निकल आएंगे तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको आज से 10-15 दिन बाद दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मेरे बीज जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं और फिर वो बड़े हो जाएंगे तो उनको मैं रिपोर्टिंग दूसरे गमलों में करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके बीज लगाए थे वो उनका रिज़ल्ट मैं 20 डेज बाद का ये आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बालसम के सारे ही पौधे जो हैं वो निकल आए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, ये देखिए। और ये इधर भी बालसम के निकल आए हैं ये पौधे। अब इनको जो है मैं थोड़ी से 2-4 दिन 10 दिन रुक के और इनको बड़े पॉट में जो है वो ट्रांसफ़र करूंगी, तब इसमें जो है अच्छे और हाइब्रिड क्वालिटी के फ्लावर्स आएंगे। पर मेरे जीनिया और गेंदा के जो पौधे हैं वो अभी नहीं निकले हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा सीज़न कम है तो थोड़ा देर में निकले। छोटे छोटे से इनके ये दिखाई तो दे रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे। तो क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने जितने भी बीज लगाए हैं सभी जर्मिनेट हो जाएँ, और अगर थोड़े या आधे भी हो जाते हैं तो वो अच्छा है। तो ये बालसम के बीज मेरे पौधे सारे निकल आए हैं और मैंने बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूंगी। तो इस प्रकार से इस मौसम में आप भी मौसम के बीज लगा के अपने बाग में पौधों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इनमें जो है जो बड़े हो जाएं तो आप इनमें समय समय पर 15-15, 20-20 दिन में खाद देते रहिए, तो थोड़े दिन बाद वो मज़बूत हो जाते हैं और मज़बूत होकर वो फ्लावरिंग आपकी करने लगते हैं। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।